नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी परिवहन निगम यात्रियों को राहत और सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजशेखर क्षेत्रीय परिवहन अफसरों के साथ पॉलिटेक्निक चौराहे पर बने दो बस शेल्टरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को सुविधाएं हासिल होगी, वहीं दूसरी तरफ चौराहे पर जाम भी नहीं लगेगा। निरीक्षण में क्षेत्रीय प्रबंधक और अधिशासी अभियंता मोहम्मद इमरान भी उपस्थित थे। लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे पर ट्रैफिक कंजेक्शन को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने पॉलिटेक्निक चौराहे के पास दो नए बस शेल्टरों का निर्माण किया है। इनका निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा ये कदम बड़ी बसों के यात्रियों की वजह से लगने वाले जाम सहित कई मुद्दों पर शिकायत के बाद उठाया गया। लगभग 25 लाख की लागत से बस स्टॉप का यहाँ पर निर्माण किया गया है, जिसमें 25 लोगों के बैठने की सुविधा के अलावा हेल्प के लिए काउंटर भी रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजशेखर ने इसकी जांच के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक और अधिशासी अभियंता के साथ यहां की साइट का दौरा किया और लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।